नमस्कार, मैं द्युति दत्ता आपका इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप घर बैठे बैठे कैसे अपना वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो इशू होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, लेकिन आप घर बैठे बैठे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 साल के हैं या फिर उससे ऊपर साल के हैं, आप ज़रूर इसको घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं। और जी हाँ, बिल्कुल करिए। इलेक्शन का टाइम, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्शन का टाइम नज़दीक आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान अपना वोट कास्ट करे और उसके पास एक वोटर आईडी ज़रूर होना चाहिए। बिकॉज वोट कास्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास एक वोटर आईडी हो। तो आइए जानते हैं कि हम वो चीज़ कैसे कर सकते हैं। आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। फॉर्म 6, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे जहाँ में से आपको फॉर्म 6 एज अ ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पे न्यू यूज़र का ऑप्शन आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर अ न्यू यूज़र, जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो चीज़ सिलेक्ट कर लेंगी, आपको बहुत सारा डिटेल पूछा जाएगा, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स होंगी, मान लीजिए आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आपके ऑफिशियल एड्रेस मान लीजिए, आपका एड्रेस प्रूफ, ये सारे डिटेल्स, आपके पर्सनल डिटेल्स कुछ पूछे जाएंगे। जैसे ही आप वो सारे पर्सनल डिटेल्स फिल कर देती हैं, आपको दो और डिटेल डालना है उसमें। आपका जो दो इंसान को आप जानती हैं कि आप सोचती हैं कि आप उसको एज अ रेफरेंस दे सकती हैं, वो दो इंसान के डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा, उनके वोटर आईडी के डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेंगी, नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको कुछ अपना बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूछा जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। मान लीजिए आपका एड्रेस प्रूफ पूछा जाएगा, आपका आईडी प्रूफ पूछा जाएगा, कोई और आईडी प्रूफ जो भी आपके पास है, तो वो सारी चीज़ें आप अपलोड करें। जैसे ही आप अपलोड कर लेंगी, आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक फ़ोन, आपको एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, और आपको ये एप्लीकेशन नंबर अपने ईमेल आईडी पे भी आएगा। तो आप इस एप्लीकेशन नंबर के ज़रिए ट्रैक कर सकती हैं कि आपका वोटर आईडी जो आपने अप्लाई किया हुआ है ऑनलाइन, उसका स्टेटस क्या है। तो ये हुआ कि पहली ये बात हुई कि आप इससे घर बैठे बैठे कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये बता दूँ, बहुत सारे लोगों के बीच ये कन्फ्यूजन रहता है, ये डाउट रहता है कि क्या वो घर बैठे बैठे वो चीज़ सॉफ्ट कॉपी यानी डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, आप कभी भी वोटर आईडी का सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा वीडियो अंत होने जा रहा है। कोई और नई बात के साथ जल्द मिलूंगी आपसे। कोई भी फिनेंशियल एडवाइस अगर आपको चाहिए, हमारे फिनेंशियल टोल फ्री नंबर पे ज़रूर कॉल करें, या फिर हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, indianmoney.com के वेबसाइट पे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्लेरिफिकेशन है इस वीडियो को लेके, आप कमेंट्स पे ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाके आप फ्री क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं। हमारा फिनेंशियल टोल फ्री नंबर है 0226181611। कोई भी फिनेंशियल एडवाइस चाहिए, ज़रूर कॉल करें या फिर एक मिस कॉल करें, बस हमारे टीम मेंबर्स आपको कॉल बैक करेंगे। धन्यवाद, जल्द मिलूंगी आपसे ऐसी कोई नई टॉपिक के साथ।